दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आप सरफराज अहमद को पाकिस्तान का अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। एशिया कप के सुपर फोर मरहला के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बंगाली टीम ने इनिंग के आगाज में 3 विकेट गिरने के बाद अच्छा कमबैक करते हुए मुशफिक अल रहीम की शानदार इनिंग की बदौलत 44 ओवर में 216 रन बना लिए। टॉस जीतकर बंगाल टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तान के इब्तदाई बाउलर्स ने सिर्फ 13 के स्कोर पर 3 बंगाली बल्लेबाजों को पवेलियन भिजवा दिया, जिसके बाद मुशफिक अल रहीम ने मोहम्मद मिथन की मदद से 100 रन से ज्यादा की साझेदारी कायम की और अपनी टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कामयाब हो गए। आज के मैच में पाकिस्तानी सरफराज अहमद काफी गुस्सा में नजर आए और कई एक खिलाड़ियों को डांटते हुए भी दिखाई दिए। ऐसा ही एक वाकया पेश आया 34वें ओवर में, जब हसन अली ने मोहम्मद मिथन को अपने ही बाल पर कैच थाम कर पवेलियन की राह दिखाई। इस मौका पर जब पाकिस्तानी टीम इकट्ठी हुई तो सरफराज अहमद ने फखर जमान को खसीले अंदाज में देखा और कुछ बात की। सरफराज के इस अंदाज पर शादाब खान की भी आंखें खुली रह गईं और सरफराज के इस कदर गुस्सा होने पर फखर जमान ने कुछ ना कहा और अपना मुंह नीचे जमीन की तरफ करके देखना शुरू कर दिया। अब ये तो नहीं मालूम कि सरफराज अहमद ने फखर जमान को किस वजह से डांट पिलाई, लेकिन फखर जमान की काबिल एतराज हालत देखकर जहां एक तरफ उनके चाहने वाले सरफराज अहमद पर तंकीद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टीम में डिसिप्लिन कायम रखने के लिए सरफराज अहमद के इस इकदाम की हिमायत कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सरफराज अहमद के इस रवैया की हिमायत करते हैं तो अपनी राय नीचे दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें।